हेलो फ्रेंड्स, आज हम संत गोबेन कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड रिकमेंड किया है उसके अमाउंट और रिकॉर्ड डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए 1 रुपया पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। फ्रेंड, कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 75 के अराउंड, तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 1.25% का डिविडेंड रिकमेंड किया है, और यह डिविडेंड के शेयर होल्डर को तभी मिलेगा यदि आने वाली AGM में इनके मेंबर्स के द्वारा इसको अप्रूव किया गया। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने बुक क्लोजर डेट बता रखी है 23 जुलाई 2021 से लेकर 29 जुलाई 2021 तक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड डेट बनी वो बनी 22 जुलाई। तो फ्रेंड, यदि आपके डीमैट अकाउंट में 22 जुलाई को जो है शेयर होगा तभी आपको 1 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल डिविडेंड डेट बनी वो बननी चाहिए थी 21 जुलाई, पर 21 जुलाई को छुट्टी है, दिन मार्केट बंद रहेगी, तो जो एक्चुअल डिविडेंड डेट बनी वो बनी 20 जुलाई, और डिविडेंड के लिए जो लास्ट बाई डेट बनी वो बनी 19 जुलाई। तो फ्रेंड, यदि आपने जो शेयर 19 जुलाई जो उससे पहले खरीदा तभी जो है आपके डिमैट अकाउंट 22 जुलाई को आ पाएगा और तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। और फ्रेंड, यदि आपके पास जैसे पहले से ही है जो 19 जुलाई को खरीदा है और आपको डिविडेंड चाहिए, तो आपने जैसे एक्स डेट दैट इज 20 जुलाई या उसके बाद बेचना है, 20 जुलाई को बेचोगे तब भी आपको डिविडेंड मिलेगा। ओके, थैंक्स।